आखिर कैसे गोविंदा को उनकी टॉप 5 कॉमेडी मूवीज की वजह से गोविंदा को कॉमेडी का बादशाह कहा जाता है। नंबर 1, 2011 में रिलीज हुई फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। इस फिल्म में गोविंदा ने एक वकील का किरदार निभाया था और इस फिल्म के कर्ता धर्ता थे डेविड धवन। डेविड धवन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सुष्मिता सेन, रंभा, अनुपम खेर और अन्य सितारों ने काम किया था। बचपन में गोविंदा ने एक वकील की भूमिका निभाई थी। हालांकि फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के गाने को उस समय काफी पसंद किया गया था और आज भी लोग इस फिल्म को बढ़ चढ़कर देखना पसंद करते हैं। नंबर 2, इसी कड़ी में अगर दूसरी बड़ी फिल्म की बात करें तो गोविंदा की ये फिल्म भी किसी से कम नहीं है। इस फिल्म का टाइटल साजन चले ससुराल है, जिसे साल 1996 में रिलीज किया गया था। ऑडियंस की ओर से देखा जाए तो उस जमाने में इस फिल्म को जमकर पसंद किया गया था। एक तरफा जहां फिल्म की कहानी तो दमदार थी और दूसरी ओर उसके गाने को भी लोगों ने जमकर एंजॉय किया था। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि इस फिल्म में गोविंदा एक नहीं बल्कि दो दो हीरोइन के साथ में रोमांस करते हैं। गोविंदा के अलावा इस फिल्म में करिश्मा कपूर, तब्बू, कादर खान, सतीश कौशिक और अन्य कई सितारों ने भी काम किया था। इस फिल्म को लोग आज भी जमकर पसंद करते हैं। नंबर 3, इसी कड़ी में अगर गोविंदा की कॉमेडी से लबरेज किसी बड़ी फिल्म की बात करें तो उस फिल्म का टाइटल था राजा बाबू। गोविंदा के कॉमेडी से लबरेज फिल्मों की लिस्ट खंगाली जाए तो उसमें राजा बाबू का जिक्र ना हो, क्या बात कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, लिस्ट अधूरी मानी जाएगी। राजा बाबू में जिस हिसाब से गोविंदा ने जो किरदार निभाया था ना, वो वाकई में काबिले तारीफ था। इस फिल्म की कहानी काफी ज्यादा पसंद की गई थी और डेविड धवन के निर्देशन में बनी फिल्म राजा बाबू काफी चर्चा में रही थी। इस फिल्म में गोविंदा के अलावा करिश्मा, शक्ति कपूर और कादर खान के साथ ही अन्य सितारों ने काम किया था। नंबर 4, इसी कड़ी में अगर चौथी बड़ी फिल्म की बात करें तो इस फिल्म का टाइटल था कुली नंबर 1। गोविंदा की इस फिल्म का निर्देशन भी डेविड धवन के हाथों में ही हुआ था और ये फिल्म पूरी तरह से कॉमेडी, रोमांस और एक्शन से लबरेज थी। इसमें गोविंदा के अलावा करिश्मा कपूर, कंचन, कादर खान, शक्ति कपूर, सदाशिव, अमरा पुरकर जैसे सितारे नजर आए थे। नंबर 5, पांचवी बड़ी फिल्म की बात करें तो ये सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ गोविंदा की ऐसी फिल्म थी जिस फिल्म को बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया था। फिल्म का टाइटल था बड़े मियां छोटे मियां और गोविंदा के साथ इस फिल्म में अमिताभ बच्चन नजर आते हैं। डेविड धवन के निर्देशन में बनी बड़े मियां छोटे मियां बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इसमें गोविंदा और अमिताभ ने डबल रोल प्ले किया था। कहते हैं कि इसी फिल्म को करने के बाद अमिताभ बच्चन अपने करियर को दोबारा से पटरी पर लेकर हाजिर होते हैं, क्योंकि इनकी पिछली काफी सारी फिल्में बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर फ्लॉप साबित हुई थी। 90s के दौर में गोविंदा की ऐसी कई सारी रोमांस, एक्शन और कॉमेडी से लबरेज फिल्में देखने को मिली थी, लेकिन मौजूदा दौर में हम देख सकते हैं कि गोविंदा आज बिना काम के खाली हाथ बैठे हैं। और उनकी अंतिम फिल्म रंगीला राजा आई थी जो गोविंदा के करियर को वापस पटरी पर नहीं ला पाई। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। गोविंदा की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है ये भी बताइए और साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।